कहानी का नाम वीर परीक्षा। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। काबुल की ओर प्रयाण करते हुए महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने रावलपिंडी के निकट पड़ाव डाला। सूर्यास्त से कुछ पूर्व का समय था। महाराज अपने निजी डेरे के आगे खड़े थे। उनके पास हरी सिंह नलवा, सरदार फूल सिंह इत्यादि योद्धा खड़े हुए सेना के प्रबंध का निरीक्षण कर रहे थे। इसी समय 6-7 सैनिक 2 सिख युवकों को बीच में लिए हुए महाराज के डेरे की ओर आते दिखाई पड़े। हरी सिंह नलवा से महाराज ने पूछा, क्या बात है? कोई अपराधी मालूम होते हैं। थोड़ी ही देर में वे निकट आ गए। महाराज के सन्मुख पहुंचकर सैनिकों ने महाराज का अभिवादन किया और वे दोनों युवक चिल्ला उठे, महाराज की जय, हरी सिंह की जय। हरी सिंह ने पूछा, क्या मामला है? सैनिकों में से एक ने कहा, ये हुजूर से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। उनमें से एक युवक बोला, हमने बहुत दिनों से सुन रखा है कि महाराज रणजीत सिंह बड़े वीर हैं। उनका सेनापति हरी सिंह नलवा बड़ा वीर है और वीरों की कदर करता है, इसलिए हम हुजूर की सेवा में नौकरी करने के अभिप्राय से आए हैं। महाराज चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। हरी सिंह ने कहा, हमारी सेना में केवल वीरों को नौकरी मिलती है। जो वीर नहीं हैं, उनके लिए हमारी सेना में स्थान नहीं है। हाँ, हम वीर हैं। हमारी रग रग में वीरता है। हमारे खून की एक एक बूंद में वीरता है। महाराज रणजीत सिंह मुस्कुरा दिए, परंतु मौन रहे। हरी सिंह ने कहा, जो वीर होता है वह अपने मुख से अपने को वीर कभी नहीं कहता। युवक निर्भीकता पूर्वक बोला, तो कोई भी वीर अपना परिचय देते हुए अपने को कायर नहीं कहता। हुजूर ने जब हमारा ठीक ठीक परिचय पूछा तो हमें सच सच कहना पड़ा। महाराज के मुख पर प्रशंसा सूचक भाव का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु वह मौन ही रहे। हरी सिंह कुछ अधीर होकर बोला, तुम दोनों कौन हो? हम दोनों सगे भाई हैं। कहां के रहने वाले हो? यहां से कोस भर की दूरी पर एक गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। गांव का नाम? गांव का नाम युवक ने बता दिया। हरी सिंह ने कहा, हमारे पास रंगरूटों के लिए जगह नहीं है। हम तलवार भाला तीर कमान चलाना जानते हैं। हम बड़ी आशा से आए थे। हमारा उत्साह युद्ध में भाग लेने का है। युद्ध के पश्चात विश्राम के लिए जाती हुई सेना में भर्ती होने की हमारी इच्छा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें युद्ध करने का उत्साह है? हरी सिंह ने कुछ व्यंग्य से पूछा। हाँ हुजूर। युद्ध करना जानते हो? बहादुर पैदाइशी योद्धा होते हैं। महाराज के मुख पर पुनः हल्की सी मुस्कान आ गई, परंतु वे मौन थे। हरी सिंह कुछ चिढ़कर बोला, अच्छा, अपनी बहादुरी और योद्धापन का कुछ नमूना दिखा सकते हो? जो हुजूर की आज्ञा हो। कुछ क्षणों तक सोचकर हरी सिंह ने कहा, अच्छा, आपस में ही तलवार चलाकर दिखाओ। इतना सुनते ही सैनिक पीछे हट गए। दोनों युवकों ने म्यान से तलवारें निकाली और एक दूसरे के सम्मुख डट कर खड़े हो गए। कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। एक ने दूसरे भाई से कहा,
भाई तू बड़ा वीर है। दूसरा भाई बोला, भाई तू भी बड़ा वीर है, अपनी वीरता की लाज रखना। लाज रखने वाला परमात्मा है। दूसरे ही क्षण तलवारें चलने लगीं। अस्त होते हुए सूर्य की सुनहली किरणों के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि दो सुनहली विद्युत रेखाएं आपस में मिलती और अलग हो जाती हैं। दोनों युवक मृत्यु की दो लपलपाती हुई जीवाओं से खेल रहे थे। महाराज हरि सिंह तथा अन्य उपस्थित सरदार बड़े ध्यान पूर्वक दोनों का युद्ध देख रहे थे। सहसा एक ने पैंतरा बदलकर दूसरे की छाती में तलवार घुसेड़ दी। उसने गिरते गिरते तलवार का हाथ जो मारा तो दूसरे का सर धड़ पर से झूल पड़ा। दोनों एक साथ ही धराशायी हुए। महाराज स्तब्ध थे, हरि सिंह अवाक, अन्य सरदार चकित। दोनों की लाशें कुछ देर तक तड़प कर ठंडी हो गईं। महाराज के नेत्रों में आंसू छलछला आए। वह आंखें पोंछते हुए बोले, क्यों हरि, वीरों की परीक्षा लेने का परिणाम देखा? हरि सिंह ने सिर झुका लिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। महाराज ने सैनिकों से कहा, इनके गांव में जाकर पता लगाओ कि इनके घर में कौन है। चुपचाप पता लेकर आओ, यहां का हाल किसी को मत बताना। सैनिक तुरंत चल दिए। महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा तथा कुछ अन्य सरदार और सैनिक गांव के एक कच्चे घर के सन्मुख खड़े थे। एक ओर कपड़े से ढके हुए दो युवकों के शव रखे थे। महाराज के सन्मुख एक वृद्धा खड़ी आंचल से नेत्रों को पोंछ रही थी। नेत्र पोंछते हुए उसने महाराज से पूछा कि महाराज ने स्वयं पधारने का कष्ट क्यों किया। महाराज बोले, ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माता का दर्शन करके अपना जन्म सफल करने के लिए मैं यहां आया हूं। मां तुम धन्य हो, ईश्वर करे ऐसी माताएं पंजाब के घर घर में हों। वृद्धा मौन खड़ी रही। सहसा महाराज घुटनों के बल बैठ गए और वृद्धा के चरण छूकर बोले, मैं काबुल पर चढ़ाई करने जा रहा हूं। मां अपना आशीर्वाद दो कि मेरी यह यात्रा सफल हो। वृद्धा का मुख तमतमा उठा। उसने सिर ऊंचा करके और अपने पुत्रों के शवों की ओर संकेत करके कहा, जिसके राज्य में ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं वह क्या कभी हार सकता है? जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। महाराज उठ खड़े हुए। सहसा वृद्धा बोली, वह देखो, मेरे दोनों लाल मुझसे विदा मांग रहे हैं। कहते हैं कि हम काबुल जा रहे हैं। वह देखो, दोनों जा रहे हैं। सबने वृद्धा के संकेत स्थान की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि एक बवंडर चक्कर खाता हुआ पश्चिम की ओर जा रहा है। कहानी का नाम वीर परीक्षा। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।